आज हम देखेंगे गुजरात के अहमदाबाद में आई हुई साइंस सिटी को, जिसे अहमदाबाद साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो 15 मेजर अट्रैक्शन के साथ 160 हेक्टर में फैली हुई है। ये टिकट विंडो है। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो तो कॉम्बो ऑफर्स भी अवेलेबल है। ये अंदर एंटर होने का गेट है, जिसके बाजू में पूरे साइंस सिटी का मैप लगा हुआ है। इसके अलावा अंदर हर रोड के इंटरसेक्शन पर ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं जो अंदर घूमते वक्त काफी काम आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रोबोटिक गैलरी में, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है। इस सेक्शन में हमें 79 टाइप्स के 200 से ज्यादा रोबोट्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर राइट साइड में एक काफी फेमस मूवी वॉली का रोबोट रखा हुआ है, जिसे आप में से काफी लोग जानते ही होंगे। लेफ्ट साइड में होंडा कंपनी का मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट असीमो को रखा गया है। सेंटर में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर का रोबोट रखा गया है, जो ऑप्टिमस प्राइम है। यहाँ आने वाले सभी लोगों का अभिवादन करता है ये। इसकी डिजाइन भी ऑलमोस्ट मूवी में जैसी थी वैसे ही रखने की अच्छी ट्राई की गई थी, फिर चाहे वो आगे से हो या साइड से। रोबोटिक गैलरी में अंदर एंटर होते ही सामने कई सारे सेक्शंस दिखते हैं, जहां अलग अलग रोबोट्स देखने मिलेंगे। इस दो मंजिला गैलरी में डेमोन्स्ट्रेशन के साथ रोबोट्स को देखने के लिए आपको गाइड का सहारा लेना पड़ता है। जहां पर रोबोट्स का डेमो नहीं है, वहां आप खुद जाओ तो भी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से लिखी हुई मिल जाती है। जैसे यहां रोबोट्स की ह्यूमन सोसाइटी में हिस्ट्री क्या है वो दिखाया गया है। ये पुराने जमाने में यूज होने वाले रोबोट्स है, और ये छोटे वाले पुराने चाइनीज रोबोट्स है, और उसके बाजू में ट्रम्पेट प्लेयर्स है। यहाँ पर वर्ल्ड फेमस स्टार वॉर्स मूवी के फेमस रोबोट्स कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इनमें से काफी सारे आपके जाने पहचाने ही होंगे। यहाँ पर डेल्टा का पिक एंड प्लेस रोबोट है। ये वेबोट 2 और जॉनी 5 रोबोट्स है, जिसके बाजू में सोजोर्नर रोवर है। ये इंडोबोट्स की गैलरी है, जहां पर आपको रोबोफेस्ट के कुछ रोबोट्स और दूसरे प्रोटोटाइप्स देखने मिलते हैं। यहां पर चंद्रयान 2 के रोवर के बारे में भी दिखाया गया है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यहां वर्चुअल रियलिटी रिलेटेड रोबोट्स है, जिसका एक्सपीरियंस हम वीआर हेडसेट पहनकर कर सकते हैं। ये सब देखते देखते हम सेकंड फ्लोर से नीचे की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर ये रोबोट हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है। और जब उसकी चार्जिंग खत्म होने वाली हो तो वो अपने आप सॉकेट में लग जाता है। अब हम इस जॉन सीना और ट्रिपल एच की फाइट देखने वाले हैं। अभी जॉन सीना रेडी हो रहा है। इन दोनों को ह्यूमेनॉइड रोबोट्स का मिनिएचर वर्जन बनाया गया है। अब जॉन सीना रियल ह्यूमंस की तरह डिप्स मार रहा है। और अब रेडी होने की बारी ट्रिपल एच की है। देखते हैं वो क्या करता है। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई है, और ये जॉन सीना ने ट्रिपल एच को पछाड़ दिया। दोनों अपने आप खुद के पैरों पर खड़े हो गए।
क्या पता ये सब मूवमेंट्स यूज करके फ्यूचर में ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। वहां से निकलकर हम दूसरे सेक्शन में गए। यहाँ पर बैडमिंटन का सेटअप जैसा कुछ दिख रहा था। ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको छोटा सा डेमो भी दिखाएंगे। यहाँ एक रोबोट रियल ह्यूमन के साथ रियल बैडमिंटन खेल रहा है। जो हमारे दो तीन दोस्त होंगे खेलने वाले, फ्यूचर में ये रोबोट उसे भी खा जाने वाला है। उसके बाद हमने देखा ये स्पेस रोबोट, जो स्पेस में स्पेस स्टेशन के ऊपर बाहर की तरफ बिना ऑक्सीजन के काम करने के लिए यूज होता है, जो कि इंसानों के लिए काफी डिफिकल्ट और रिस्की काम होता है। यहाँ पर ड्रोन्स का एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डेमो दिखाया गया है। ये ऑटोमेटिक असेंबली रोबोट है। यहाँ पर डोमेस्टिक और फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स है। यहाँ पर मेडिकल रोबोट्स थे, जो कि रिमोटली एकदम एक्यूरेट सर्जरी भी कर सकते हैं। आगे एक शिफ्टिंग रोबोट जो 4 से 5 किलो तक का रेल जाने के लिए बना है, वो स्टैटिक है ओनली। थर्ड पे है इम्प्लेन रोबोट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बाहर से कांच की क्लीनिंग करने के लिए बना है। आगे एक कैमरा लगाया जाता है जिसकी मदद से ये मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सबसे ज्यादा आर्गुएबल यूज किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। ये वैक्यूम रोबोट है जो ग्लास क्लाइंबिंग कर रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू रोबोट्स थे जो अर्थक्वेक जैसी हार्श कंडीशन में भी वर्क कर सकते हैं, जहाँ ह्यूमन का जाना लगभग नामुमकिन होता है। यह एक टेरिन रोबोट है। यहाँ पर प्रोस्थेटिक रोबोट और एक्सोस्केलेटन्स रखे हुए हैं। यहाँ पर डीआरडीओ के कुछ रोबोट्स डिस्प्ले किए गए थे। इसके साथ ही इस रोबोटिक गैलरी के लगभग सभी रोबोट्स मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब हम सीधे जाएंगे रोबो कैफे में।
बिल्डिंग के लेफ्ट हिस्से में रोबो कैफे है। यहाँ पर वेटर्स की जगह पर रोबोट्स काम करते हैं। अंदर एंटर होते ही हमें ऐसे रोबोट्स दिखते हैं जो कि फूड सर्विंग्स कर रहे होते हैं। देखने में ये काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। उनका रास्ता टेबल्स के बीच में से है। हमने भी अपना ऑर्डर प्लेस किया और थोड़ी देर में वो रेडी होकर हमारे पास आने लगा। वो सामने दिख रहे रोबोट के पास हमारा ऑर्डर है। जिस नंबर का हमारा ऑर्डर हो हमें उसी नंबर पर रोबोट डिलीवरी करने आता है और ये हमारा नाश्ता भी आ गया। ट्रे में से हमें खुद ही लेना पड़ता है। नाश्ता देकर थोड़ी देर में वो अपने आप वापस चला जाता है। ये एक्सपीरियंस काफी मजेदार था। उसके बाद हम एक्वेटिक गैलरी में गए जिसके बाहर ऐसा बड़ा सा व्हेल का स्कल्पचर बना हुआ था। अंदर एंटर होते ही बड़े से एक्वेरियम हमारे दोनों तरफ देखने मिलते हैं। यहाँ ऊपर छत पर भी पानी भर के मछलियां रखी हुई है। अभी यहाँ पर सफाई का काम चल रहा था। हमने कुछ देर उसे देखा और फिर आराम से अंदर गए। यहाँ आपको डायरेक्शंस भी मिल जाएंगी। अंदर इस बड़े हॉल में इस बड़ी सी डिस्प्ले पर अंडर वाटर सीन्स चलते रहते हैं जो पानी के नीचे की दुनिया दिखाते हैं। हॉल की छत पर आर्टिफिशियल फिशेस लटकाई हुई थी। यहाँ पर कर्वेचर ग्लास वाला एक बड़ा सा एक्वेरियम है जिसके सेंटर में एक होलोस्फीयर बना हुआ है जिसके अंदर से सर निकालने पर हमें एक्वेरियम के अंदर होने का इल्यूजन होता है। इसका पानी भी एकदम साफ होने की वजह से अंदर की फिशेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जो भी फिश को हम देखते थे उसके बारे में पास में इंफॉर्मेशन लिखी हुई हमें मिल जाती है। यहाँ इस रास्ते पर छत पर कई मछलियों की रेप्लिका लगाई हुई थी जिसे हम समंदर के अंदर चल रहे हो ऐसा लग रहा था। कैमरा शायद इसे जस्टिफाई ना कर पाए पर यह वाकई में काफी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से आगे वॉल में बहुत सारे एक्वेरियम्स लगाए हुए मिलते हैं और लेफ्ट साइड पर उसकी इंफॉर्मेशंस। तो चलिए एक एक करके इन सब को देखते हैं। Yeah.
सेवॉल एक्वेरियम यहाँ पर कई सारे थे। वीडियो में टाइम लिमिट की वजह से सभी को तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, पर ऑलमोस्ट मैंने सारे एक्वेरियम कवर कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ का मेन अट्रैक्शन है शार्क टनल, हम अब वहीं पर जा रहे हैं। वॉल एक्वेरियम्स खत्म होने के बाद शार्क टनल स्टार्ट होती है। ये काफी बड़ी है। यहाँ प्रॉपर एक वाटर पूल के अंदर ये टनल बनाई गई है, जहाँ डिफरेंट मछलियों के साथ शार्क्स भी रखी गई है, जो साइज में अच्छी खासी बड़ी है। टनल में चलने पर हमें समंदर के बीच में होने का एहसास होता है, क्योंकि हमारी चारों तरफ कलरफुल मछलियाँ और ऐसे एंशियंट स्ट्रक्चर्स के मॉडल्स दिखते हैं, जिसके बीच मछलियाँ तैरती रहती है। साथ में क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ एक्सपीरियंस और भी बढ़िया बन जाता है। ये स्टिंगरे कितनी बड़ी है। टनल के अंदर कभी कभी ऐसे डाइवर्स भी दिखने मिलते हैं। आगे ये कोरल स्टोन्स भी काफी अच्छे लग रहे थे, इसे काफी रियलिस्टिक बनाया गया है। हमने वहां पर काफी देर एंजॉय किया, फिर बाहर जाने लगे। एंड में ऐसा हॉल जैसा कुछ बना हुआ है, जहां से हम इस टनल को टनल के बाहर खड़े रहकर देख सकते हैं। बाहर की तरफ भी अच्छे रियलिस्टिक डिजाइन की वजह से ये काफी बढ़िया लग रहा था। एकदम एंड में ये हाथी के साथ ये रथ था, जिसके बाहर बड़ी बड़ी शार्क मछलियां तैर रही थी, और उस पर जंग लगे हुए डिजाइन के कारण वो कई साल पुराना यहीं पड़ा होगा, ऐसा इल्यूजन हो रहा था। तो इसी के साथ यहाँ पर शार्क टनल भी खत्म होती है। आपको ये कैसी लगी वो कमेंट्स में जरूर बताना। शार्क टनल के बाद हमें यहाँ से ऊपर के फ्लोर पर जाना था। पूरी इमारत मछलियों की थीम पर बनी हुई थी। यहाँ पर दो ओपन पूल्स बनाए गए हैं, जिसमें स्टारफिश और श्रिम्प्स रखे हुए हैं। दोनों पूल्स ऊपर से खुले हुए थे, जिसकी वजह से हम फिशेस को सीधा ऊपर से देख सकते हैं। स्टारफिश और श्रिम्प्स के साथ यहाँ कुछ मछलियां भी रखी हुई थी। इन सबको ऊपर से देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगता है, खासकर ये स्टारफिशेस। ये यहाँ पर कई अलग अलग कलर्स की थी, ये काफी स्लो मूवमेंट्स करती है। ये श्रिम्प्स यहाँ पत्थरों के बीच में छिप गए थे, जब भीड़ कम हुई तो अपने आप ये बाहर की ओर आ गए। पुल्स के सामने फ्रॉग जैसे दूसरे पानी के जीवों को रखा गया है। वहां से बाहर निकलने के रास्ते पर पेंगुइन्स का इवोल्यूशन दिखाया गया है, और उसके सामने लाइव पेंगुइन्स, जो अभी दोपहर के वक्त होने की वजह से आराम कर रहे थे। यहाँ पर शिप की थीम पर बेस एक रेस्टोरेंट भी है, जिसका नाम टी पोस्ट है। इसे पूरा एक शिप के जैसे डिजाइन किया गया है, जिसमें सेल्स भी है और क्रॉस जैक्स भी है। यहाँ ऐसे टायर्स भी है। इन सब के बीच में बैठ के चाय की चुस्की लेना बड़ा मजेदार था। कुछ देर में चाय नाश्ता करके हम बाहर आ गए, जहाँ रास्ते में ऐसी डिजाइन बनी हुई थी। यहाँ से हम शार्क टनल को ऊपर से देख सकते हैं। इसके साथ ही एक्वेटिक गैलरी को हमने पूरा देख लिया है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी की साइंस सिटी को हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसके दूसरे पार्ट में प्लेनेटोरियम, नेचर पार्क और हॉल ऑफ साइंस जैसी जगह हम देखेंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में।
अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।